और दोस्तों हम आए हैं काला पहाड़, करिया पहाड़ भी बोलते हैं। हाँ, तो करिया इस शब्द का क्या अर्थ निकलता है? पहाड़ के ऊपर में क्या है, एकदम पूरा काले पत्थर से बिछा हुआ है। हाँ, हाँ। तो इसीलिए इसको करिया पहाड़ बोला गया है, लोकल भाषा में करिया, काले को करिया बोल दिया गया। हाँ हाँ, ठीक है, यानी काला ही अर्थ। हाँ है। तो दोस्तों ये एक प्रकृति का अद्भुत नमूना है, कहीं पे भी देखने को अपन को नहीं मिलेगा। ये एक दो जगह है पृथ्वी पर, एक ही दो ही जगह है। तो ये है एक मंडला का क्षेत्र जिसे काला पहाड़ बोलते हैं, ज्वालामुखी का यहाँ पे उद्रेक हुआ था। और ऐसे पत्थर आपको मिल जाएंगे जैसे कि इंसानों ने बनाए के रखे हैं। बिल्कुल, हाँ। ऐसा लगता है उसको देख बिल्कुल के। तो इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? ये उसी समय के हैं जब महल का निर्माण हो रहा था, मतलब आज से 300-400 साल पहले की बात है। उसी समय के ये पत्थर है, तो कहा जाता है कि यहीं से वो पत्थर लेकर के गए हैं वहाँ निर्माण के लिए। जी जी जी, तो यहाँ से बहुत सारे पत्थर लेकर के गए और निर्माण भी किया। निर्माण, तो चलिए दोस्तों देखते हैं करिया पहाड़ और आपको भी दिखाते हैं इस धरती का अजब नमूना। दोस्तों देखे यहाँ पर हर प्रकार के हर शेप के पत्थर मिलेंगे, अलग अलग शेप में, जैसे कि किसी इंसान ने या किसी कारागिर ने तराशे हुए हैं, अलग अलग शेप में, वो भी क्लियर टू कट। अगर कोई इंसान आए तो बोल नहीं सकता कि ये बिना तराशे हुए पत्थर है, लेकिन ये बिना तराशे हुए ही है। ऐसे लगता है जैसे षटकोनी है। ये है ज्वालाग्राही जो निकलता है ना लावा रस उसका।
सेवा जोहर दोस्तों, हम ऐसे एक अद्भुत नमूने पे खड़े हैं जो इस सृष्टि का एक अद्भुत पहाड़ है जिसे काला पहाड़ या करिया पहाड़ बोला जाता है। काला पहाड़। एक्चुअली गोंडवाना की यहाँ पूरी धरती का इतिहास, आप एंशियंट इतिहास को ढूंढेंगे, हिस्ट्री को ढूंढेंगे और देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि गोंडवाना की जितनी भी धरती है वहाँ पे बहुत कम भूकंप आते हैं, भूकंप ना के बराबर आते हैं। लेकिन ये एक वो मंजर है जो लाखों साल पहले यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्रेक हुआ था और इस ज्वालामुखी को फटने से ये जो लावा बाहर आ गया ये ठंडा होके पत्थर में तब्दील हो गया। आप देखेंगे, थोड़ा सा कैमरामैन को मैं नीचे दिखाना चाहूँगा, ये पत्थर को देखेंगे तो हर पत्थर को आपको एक छेद छेद जैसे छोटे छोटे बिंदु नज़र आएंगे। ये बिंदु वो होते हैं जब लावा ठंडा हो जाता है, ठंडा होते समय उसके अंदर की जो गैस बाहर आती है वो उसके छेद हैं। और हम जो चल के आए हैं वो 1.5 से 2 किलोमीटर चल के आए हैं, पूरे पत्थर हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं, बड़े बड़े शिला रखे हैं जैसे कि लगता है एक इंसान ने बनाया। और ऊपर में हमारा हजारों साल का पेन जो है वहाँ पे पूजा जाता है। जब पूछा गया मैंने तो ये बता रहे हैं कि हजारों सालों से हजारों पीढ़ियाँ यहाँ पे पूजा कर रही हैं। तो भला भी जी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पहाड़ है इसमें आपको इतनी बड़ी बड़ी श्रेणियाँ देखने को मिल जाएंगी जैसे लगता है कि किसी ने तराश के इसको बनाया हुआ है, मगर ये किसी ने तराशा नहीं है, ये प्राकृतिक है जी। प्राकृतिक है नहीं पर और... इसमें रखा गया जी, है ना, इसमें रखा बाबा हृदय साई का राजा का जी। हाँ, तो ये बहुत पुराने इतिहास है, पुराने इतिहास है। और हमारे साथ जो जुड़े हैं यहाँ जो पैनठाना के पंडा हैं भगत जी, वो अब आपको और जानकारी देंगे। आइए थोड़ा सा सामने ये। मैं तो यहाँ का पुजारी थी। हरा जी, आपको सेवा जोहार, हमारी चैनल करते हम गोंडवाना के वाले हैं। अच्छा, तो आप कब से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं? मेरी 11 साल की उम्र से पाट बाबा का लंगोट पहना। हाँ, तो आप रोज यहाँ आते हैं? रोज आते हैं, मेरी 83 साल का उम्र चल रहा है। 83 साल का? अरे बाबू कि उनका पैदा जो हृदय साय नहीं जन्म ही नहीं भर रहे है जब से वो पाट बाबा का अभी खड़ा ही है, है ना। जब वो जन्म हुआ तो सोना बरसा, क्यों मंडला के अंदर एरिया में आज तक देश में पूरा बट गया, 2.5 मिनट तक सोने के बरसा हुआ उसके जन्म जी। इनके कहने का मतलब है कि पाट बाबा का वो जो स्थल है वो हृदय शाही के जन्म के पूर्व का है, पूर्व का। और जब उनका जन्म हुआ हा? तब सोना बाटा गया, बाटा नहीं बारिश हुई, बारिश बरसा हुआ 2.5 मिनट 2.5 मिनट 2.5 मिनट अब तो देश में खंड खंड बट गया जी 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 जी। तो ठीक है, कहने का अनुमान यही है कि कोई धातु ऊपर से तो गिरता नहीं साइंटिफिक रीजन के साथ, हो सकता है हृदय शाही के जन्म उत्सव को मनाने के लिए उनके पुरखाओं ने सोने को बाटा है अपने बाटा, हाँ। ये हम कह सकते हैं क्योंकि है? प्रकृति के विरुद्ध जाके हम कोई धातु ऊपर से कैसे गिर सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पेंटाना आपको नजर आ रही है बाना और ये आप पालो देख रहे हैं, सिस्टम ये है कि यहाँ पे जैसे अभी ये लाखों साल का है तो यहाँ पे जो गोंड ट्राइब रहते थे ये गढ़ सिस्टम से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। गढ़ सिस्टम तो अभी अभी आई है, उसके पहले कोड सिस्टम था, गढ़ सिस्टम उसके पहले कबीलाई सिस्टम थी और उसके पहले गुफा में रहने वाले लोग। तो ये अश्मयुगीन जो काल है उस काल में जब ये हुआ है तो तब से यहाँ का जो गोंड ट्राइब है अपने पेन पुरखा को मानता है। ये एक तो प्रकृति का अजब नमूना है, तो यहाँ पे ऐसे लगता है इन पत्थरों को देख के कि किसने बनाया, पर नहीं बनाया, ये लावा रस से बने हुए। तो चीज़ ये है कि यहाँ से हजारों साल पहले के गोंडियन ट्राइब इसे पेंठाना में पूछता है, चाहे उसे फड़ा पेन कहता हो, चाहे बुढ़ाल पेन कहता हो, चाहे बुढ़ा देव कहता हो, बुढ़ी माई कहता हो, शीतला माता, किसी भी नाम से जानता हो, लेकिन वो पेन है और इस पेन को पूजा जाता है। आप देख सकते हैं सतरंगी ध्वज, यानी साल के शंभु नरका में यहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है जी। तो आपका घर कहाँ है? घर यहाँ है, वहाँ से नीचे बस्ती, नीचे में बस्ती, अभी वहाँ से पाट बाबा अपने अपने लोग हैं क्या? अच्छा, नहीं अभी ये यहाँ। तो दोस्तों पूरे वीडियो में आपको बताने की कोशिश ये हुई कि प्रकृति का एक अजब नमूना भी होता है, प्रकृति अपने आप में एक सौंदर्यवती है, तो वो अपने आप को हमको एक अजब अलग अलग नमूने दिखाती है जिसको हमें सीखना है, समझना है। इसके अंदर बहुत सारे रहस्य पड़े होंगे, प्रकृति भी कुछ बता रही होगी, लेकिन हम एक ही एंगल से उसको नहीं देखेंगे। हम पेन सिस्टम, तो हमारा पेन पुरखा तो इस पे है, ये काला पहाड़ जो अजब नमूना है इस पे हमारा पेन सिस्टम है, लेकिन इस वीडियो से ये बताना चाहूँगा कि प्रकृति अलग अलग रंगों ढंगों से बनी है, अलग अलग उसके अंदर में एक अनेक चमत्कार है, लेकिन चमत्कार सिर्फ प्रकृति में है, हम लोगों में नहीं है।
तो इसलिए कोई चमत्कारी जो बात बताते हैं, किंवदंती बताते हैं, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप चमत्कार बताकर गोंडवाना को थोड़ा सा बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि गोंडवाना एक साइंटिफिक रीजन के साथ चलता है। गोंडवाना एक लैंड है और इस लैंड पे बसने वाला हर आदमी गोंडियन माना जाता है, लेकिन चीज़ ये है कि हम उसमें घुसा देते हैं चमत्कार और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि चमत्कारों की वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि हृदयशाही जो अपने जंत्र तंत्र जोग तंत्री जो जानते थे, तो उनको बदनाम करने के लिए शायद ये किंवदंती बताई गई होगी कि वो जो है पत्थर जो है वो हवा में उड़कर आए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हृदयशाही जी के कर्म पर आप सवाल मत उठाइए। वो जोग तंत्री तो जानते थे, लेकिन ये भी जानते थे कि अपने महल को कैसे बनवाना है, किस टेक्निक के तहत इस पत्थरों को वहां ले जाना। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं। भला भी जी, बहुत बहुत सेवा जोहार, और आपका भी कुसाम जी, आपका सेवा जोहार। आप हमारे साथ चल के आए हैं और हमारे साथ आज दिन भर आप हैं। अभी बढ़िया से खाना खाएंगे और शास्त्र धारा के बाद चलते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय दिवस, जय गुणवाना, जय।